जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका दिन शुभ हो और आपकी हर विश पूरी हो। तो आज अभी कियान के इंजेक्शन लगा था कल, तो उसकी हालत तो बहुत ख़राब है। वैसे मेरा बेटा बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा है। अभी उठा था 5 बजे, फिर 6 बजे उठा है, तो अभी सो रहा है कियान। तो मैं उठ चुकी हूँ, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है कि बेड से उठने का मन नहीं करता है। तो अभी मैंने बनाई है ब्लैक टी और रस में खा रही हूँ, और वही अपना ग्लास भर के एक बार पियो बस। बाकी देखते हैं आज हम क्या स्पेशल करते हैं। स्पेशल तो क्या यार, घर पे हूँ तो कुछ स्पेशल नहीं होगा, वही ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। ब्रेकफास्ट मेरा वही चलता है हमेशा, दलिया। मतलब अच्छा लगता है, हेल्दी भी है और मुझे खाने में भी अच्छा लगता है। और मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो आज देखेंगे क्या स्पेशल होगा। तो अब हम आ गए हैं अपने किचन में, जिसमें मुझे थोड़ी सी सफाई करनी है जब तक केन सो रहा है, और मेरे फ़ोन का फ्रंट कैमरा थोड़ा ख़राब है। तो देखते हैं किस तरीके से मैं सफाई करती हूँ। मुझे बर्तन धोने हैं जब तक केन सो रहा है, और मुझे सब्जी भी बनानी है, और रोटी मैं शाम को बनाऊँगी जब थोड़ा सा मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि इसके बाद मुझे थोड़ा केन को घुमाने लेके जाना है यही छत में। ठीक है, केन की आवाज आने लग गई है कि वो उठ गया है। बट वैसे मुझे लगता है ना कि YouTube बहुत अच्छी चीज है। आप यहाँ पे ना अपनी हर मेमोरी सेव कर सकते हो। बाकी जैसे होता है कि हम लोग फोटो खिंचवाते हैं, मैं इसे थोड़ा और पास लेके आ जाती हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी, बाकी जैसे होता है ना, हम लोग फोटोज खिंचवाते हैं अपना, लेकिन हम क्या करते हैं यार, कौन फोटो क्लिक करने के बाद, मुझे नहीं लगता कि अगर आज हमने कोई फोटो क्लिक की है और वो फोटो हम दोबारा कभी देखें, हाँ कभी गलती से दिख जाए तो देख लेते हैं। तो इसलिए लगता है कि यूट्यूब मुझे इसलिए अच्छा लगता है, सब लोग सोच रहे होंगे यार क्या इन्होंने भी अपना ये डेली रूटीन वगैरह या यहाँ यूट्यूब पे ये स्टार्ट कर दिया है। ये सब ना मैं अपने लिए कर रही हूँ एक्चुअली, ताकि ना मुझे मेमोरीज कभी देखनी हो, वाह इस दिन मैंने ये किया था या अगले दिन मैंने ये किया है। तो ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ, इसके पीछे कोई और कारण नहीं है। कि मुझे ये सब ना बहुत अच्छा है, मुझे बातें करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मैं अकेले भी बहुत बातें कर सकती हूँ, इसीलिए मैं केन के साथ ना बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ कि किसके साथ बात की जाए, तो मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ। बर्तन धोते धोते है ना, बहुत अच्छा है यार, आपके पास ना एक मेमोरी होनी चाहिए। इस दिन हमने ये किया था। तो जल्दी से बर्तन धो लेते हैं, और मुझे चाय भी बनानी है, अगर केर मुझे चाय पीने दे। वैसे मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, लेकिन वो है बहुत समझदार। वैसे प्यार से बोलती हूँ ना कोई भी बात की, प्लीज़ थोड़ा सो जाओ, मम्मा को ये काम करना है, तो मान जाता है। छोटा है ना अभी, अभी मान जाएगा, जब बड़ा होगा तो तब पता नहीं क्या होगा। लेकिन एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सही में, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि भगवान किसी भी लेडीज को ना बिना बच्चे के ना रखे, क्योंकि एक अलग ही एक्सपीरियंस है ये। माँ बनना सही में बहुत अच्छा होता है, आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है जो आप कभी बयान नहीं कर पाओगे, किसी को बता नहीं पाओगे, और ये सच। तो अभी मैं बातें कम करती हूँ, हाथ ज़्यादा चलाती हूँ। वैसे लगता है चाहे आप कुछ भी कर लो, घर के कामों से आप बच नहीं पाओगे, और घर में ये हालत हो जाती है। देखो बाल बनाना, मुझे बाल बनाना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बहुत आलस आता है। पता नहीं लोग इतना तैयार कैसे हो जाते हैं। हाँ कभी कभी मैं भी तैयार हो जाती हूँ, कभी कभी मुझे भी सजना संवरना बहुत पसंद आता है, लेकिन वो बहुत लाइफ में ना कुछ तो नया करते रहना है, उससे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस तो मिल जाता है कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है, तो मैं शेयर करूँगी।
कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और कैसे कैसे क्या होता है। यही वीडियो जब मैं आने वाले 4 या 5 साल बाद देखूंगी तो लगेगा यार अच्छा ऐसे भी हुआ करता था कभी। तो ये भी अच्छी है कि आपको अपनी यादें रखनी चाहिए और अच्छी यादें तो बहुत संभाल के रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है अच्छी हो या बुरी हो आपको अपनी यादें संभाल के रखनी चाहिए। तो आपसे बातें करते करते मेरे बर्तन वॉश हो गए हैं और अब मैं छोले बनाने की तैयारी शुरू कर रही हूँ। मतलब हमारे यहाँ छोले ना काले चने होते हैं ना, जैसे आप लोग तो शायद काले चने बोलते हो, हमारे यहाँ ऐसे नहीं कहते। हम लोग पहाड़ी हैं तो हमारे यहाँ तो अधिकतर साग होता है, बस हर चीज़ को साग 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 बोले तो जो सब्जी हो और जिसमें पानी गिरा हो तो आप उसे साग कहेंगे। आप ये नहीं कहेंगे मुझे चने की दाल दे दो या राजमा की दाल दे दो। हमारा केवल एक ही चीज़ होता है, साग दे दो। साग बन गया, साग दे दो, थोड़ा सा साग चाहिए, थोड़ा सा साग बस। और पंजाबियों में अधिकतर ये होता है। साग क्या होता है? साग होता है आपका सरसों वाला साग, भूल जाती हूँ मैं कभी कभी। तो अब मैं प्रिपरेशन कर लेती हूँ, तो आज कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी तो शेयर करूंगी। और बीच बीच में ऐसे बेबी को भी मुझे देखना होता है। तो आज हम ब्लैक चने बनाएंगे थोड़ा अलग स्टाइल से। मैंने सोचा है, पता नहीं कैसे बनेंगे, लेकिन बनाने के बाद मैं आपको बता दूंगी कि कैसे बने थे। स्वाद मैं बता दूंगी कि सही में सही बना था या नहीं बना था। देखो सच तो बोलना पड़ेगा मुझे। वैसे मुझे खाना बनाना ना सबसे बेकार काम लगता है, पर मजबूरी में तो बनाना ही पड़ेगा ना। और बीच बीच में आके मैं केन को भी देख रही हूँ कि केन उठा है या नहीं उठा है। तो अभी इसके उठने की एक्टिंग शुरू हुई है। ये मैं आपको मच्छरदानी से दिखा रही हूँ। एक्चुअली ये मैंने मॉस्कीटो नेट लगा रखी है पूरी, तो केन इसके अंदर है और ये उठने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं सोच रही हूँ जब तक ये उठे मैं अपना डिनर तैयार कर लूँ। कम बैक टू किचन। तो हमारा चना आलू रेडी है, तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बना है। यमी, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं कभी कभी इतना अच्छा खाना बना सकती हूँ। तो अभी मैं बालकनी में तुलसी लेने आई हूँ, लेकिन ये देखिए यहाँ पे दो शैतान बंदर घूम रहे हैं। एक ये है और एक ये है। इनको कोई काम नहीं है हमें परेशान करने के अलावा। तो हम चले हैं तुलसी के पत्ते लेके चाय बनाने। चाय बनाना तो आप सभी को आता होगा, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं कि चाय कैसे बनानी चाहिए, तो उससे पहले आपको अगर इंडक्शन में थोड़ा बहुत कुछ गीला है तो उसे साफ़ करना चाहिए, बटन ऑन करना चाहिए, एक पैन रखना चाहिए और जल्दी से पानी भी रखना चाहिए। तो आधा कप पानी, ठीक है, इसे बॉईल होने देंगे। इसमें डालेंगे तुलसी के पत्ते और जैसे ही तुलसी के पत्ते और ये पानी उबलने लग जाए तो इसमें डालेंगे हम एक छोटा चम्मच चाय पत्ती और 2 चम्मच चीनी। मेरी चीनी की चम्मच बहुत छोटी है, ठीक है। तो ये चाय उबलने लग गई है और इसमें डालेंगे हम आधा कप दूध और फिर इसे अच्छे से पकने देंगे। और इस बीच जब तक चाय बन रही है, हम जो चाय के डब्बे निकाले उन्हें उनकी जगह पे रखेंगे। यहाँ पे जो सामान जहाँ से निकालना चाहिए उसे वहीं रखना चाहिए। बोलने बहुत इजी है लेकिन करना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन आदत में बन जाए तो अच्छा होता है। तो अभी हमारी चाय बन रही है और ये मेरी चाय रेडी हो गई है और अब इसे पकड़ लिया जाए हाथ से नहीं, अब इसे हम पहाड़ी स्टाइल से इस तरीके से ग्लास भर के चाय पीते हैं। वैसे मैं चाय बहुत कम पीती हूँ लेकिन आजकल पी लेती हूँ। और फाइनली चाय बन चुकी है और अब हम लेंगे चाय और बिस्किट, और चाय के साथ लेंगे हम 50-50 बिस्किट्स लेंगे और देखेंगे केन उठाए या नहीं उठाए। तो कियान जी अभी तक बिल्कुल रेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सोई हुई मुद्रा में है और ये चार्ज हो रहे हैं। आई थिंक रात को आज नहीं सोएंगे, तो मतलब आज तो मेरी क्लास लगने वाली है। क्योंकि जब भी कोई बच्चा दिन में सोता है तो मान लीजिए रात को उसने रोना है और आपको कहना है कि सोना नहीं है।